हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एरिका। सो गाइस, हमारा चैप्टर 11 चल रहा है, द वैली ऑफ फ्लावर्स, जिसका आज हम पार्ट नंबर 5 देखेंगे। ये फोर्थ नहीं, आई एम सो सॉरी, दिस इज योर पार्ट नंबर 5, जिसके आज हम नेक्स्ट 2 पेजेस करेंगे, दैट आर पेज नंबर 92 एंड 93। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक्स विद पेज नंबर 92 एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। सो देखो, हैव यू एवर रीड और हियर्ड एनी सॉन्ग अबाउट फ्लावर्स। यहाँ पे आपको एक सॉन्ग दिया गया है फ्लावर्स के बारे में, जिसमें बताया गया है कि एक जो गार्डनर है, जब उसको फ्लावर नहीं मिलते हैं तो वो क्या करती है, फ्लावर के बड से गार्लैंड बनाती है। जैसे आपको ये दिख रही है ना, ये लड़ियाँ बनाते हैं हम दिवाली पे या किसी मैरिज के ओकेजन पे इनको बनाते हैं, है ना। सो ये आपको एक सॉन्ग है, आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज टॉक अबाउट इट। Do you know when such songs are sung? क्या आपको पता है ऐसे गाने कहाँ गाए जाते हैं? तो देखो, ऐसे गाने किसी भी ओकेजन पे या कोई फेस्टिवल होता है उस पे गाए जाते हैं। So yes, such songs are sung on weddings. Okay? Next one is, do you or anybody else at your home know such songs? तो जो एक गाना इन्होंने यहाँ पे दिया है सॉन्ग, इसके अलावा क्या आपके घर पे किसी को ये सॉन्ग्स आते हैं? Collect songs points on flowers, write them down and put them in your classroom. तो आपको क्या करना है, अगर आपके एल्डर्स को, आपके पेरेंट्स को, किसी को भी ऐसा कोई सॉन्ग आता है तो आप उसको यहाँ पे नोट डाउन करोगे और अपने फ्रेंड्स को शो करोगे। सो यस, माई ग्रैंड मदर नो मैनी सच सॉन्ग्स। तो आप उन सॉन्ग्स के यहाँ पे नेम लिख सकते हो, आप पूरे सॉन्ग का एक पैराग्राफ या कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज, आर एनी स्पेशल फ्लावर्स यूज ऑन सर्टेन ओकेजन। देखो, कुछ फ्लावर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर ओकेजन पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे मंदिर में चढ़ाने के लिए या वैलेंटाइंस के लिए या वेडिंग पे अलग फूल यूज़ किए जाते हैं, है ना। रोजेस का कलर भी होता है, लाइक फ्रेंडशिप डे के लिए आप यूज़ करते हो अपने फ्रेंड्स को देने के लिए, है ना। तो आपको यहाँ पे वो ओकेजन लिखना है एंड नेम ऑफ द फ्लावर और उसका कलर मैंशन करना है। सो फर्स्ट है वैलेंटाइंस डे, जिस पे रेड रोज दिया जाता है। फ्रेंडशिप डे पे पिंक रोज दिया जाता है, देख रहे हो अलग अलग कलर है ना। सो लक्ष्मी पूजा पे लोटस यूज़ किया जाता है। बीहू पे कुपोह यूज़ किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ठीक है, जो अलग अलग पर्पज से अलग अलग ओकेजन में यूज़ किए जाते हैं। लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट पेज। ऑफकोर्स, इफ देयर आर सो मैनी यूजेज ऑफ फ्लावर्स, जैसे हमने देखा मेडिसिन भी बनाते हैं हम फ्लावर्स से, हम फ्लावर्स को डेकोरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, ओकेजन्स पे भी यूज़, है ना, बहुत सारे यूजेज हैं। देन वी नीड लोड्स ऑफ फ्लावर्स। देखो, शेंट भी बनाए जाते हैं, इत्र बनाया जाता है इनसे, तो हमें बहुत सारे फ्लावर्स चाहिए। फ्लावर्स आर ग्रोन इन मैनी प्लेसेज, इमेजिन फील्ड फुल ऑफ फ्लावर्स एक्सटेंडेड माइल्स टूगेदर, हाउ ब्यूटिफुल। वो कह रहे हैं अगर हर जगह पर बहुत दूर दूर तक फ्लावर्स हों, हर जगह पूरी भरी हुई हो, जो खेत हैं हमारे, फील्ड्स हैं, वो पूरे फ्लावर से भरे हुए हो, तो इमेजिन करके देखो कि वो कितना सुंदर लगेगा। लेट अस नो सम मोर, तो थोड़ा और सीखते हैं। हैव यू एवर सीन एनीवन सेलिंग फ्लावर्स एनीवेयर, क्या आपने कभी किसी को देखा है जो फ्लावर सेल करते हैं? देखो, मोस्टली जो मंदिर के आसपास होते हैं भैया, वो फ्लावर सेल करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आपने और भी ओकेजन पे देखे होंगे, जैसे वो पूरा गार्लैंड बना के लेके आते हैं, जैसे शादी वेडिंग्स में वो जयमाला फूलों की बनाई जाती है ना, तो उनके अलग अलग शॉप्स होती हैं। If there are any flower seller nearby, ask them these questions and write. तो आपके आसपास जो भी flower seller है, जो flower selling का work करते हैं, तो आपको उनसे ये questions पूछने हैं और जो वो आपको answer देंगे आपको यहाँ पे note down करना है। First one is, what are the different flowers that they sell? तो आप उनसे पूछो कि आप कौन कौन से flower sell करते हो, कैसे कैसे flowers आपके पास होते हैं। So they sell rose, jasmine and dahlia, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़, वेयर डू दे ब्रिंग दिस फ्लावर्स फ्रॉम। तो उनसे पूछो कि जो आप ये फ्लावर सेल करते हो, आप एक्चुअली लाते कहाँ से हो ये? दे ब्रिंग दिस फ्लावर्स फ्रॉम गार्डन, तो उनका खुद का एक गार्डन है जहाँ से वो इन फ्लावर्स को लेके आते हैं और सेल करते हैं। वाई डू पीपल बाई फ्लावर्स, तो लोग फ्लावर्स क्यों खरीदते हैं आपसे? तो वो बताएंगे कि कार डेकोरेशन के लिए खरीदते हैं, घर में लगाने के लिए खरीदते हैं, या किस पर्पज़ से खरीदते हैं। सो पीपल बाई फ्लावर्स फॉर डिफरेंट पर्पज, लाइक फॉर डेकोरेशन, टू वर्शिप गॉड और गिफ्ट टू अनदर, या किसी को गिफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज, इन वट फॉर्म डू फ्लावर सेलर सेल देयर फ्लावर्स, लुक एट दिस पिक्चर। तो जिस भी आप फ्लावर सेलर के बारे में लिख रहे हो, वो किस फॉर्म में उस फ्लावर्स को सेल करता है? देखो, वो बुके बना के सेल करता है तो आप इसमें टिक लगा सकते हो, वो पूरा एक गार्लैंड बना के सेंड कर रहा है तो आप इस पर लगा सकते हो, अगर वो डायरेक्ट फूल की पेटल सेल कर रहा है या डायरेक्ट छोटे छोटे फ्लावर्स सेल कर रहा है सिंगल सिंगल, तो आप इस पे टिक लगा सकते हो, ठीक है। तो जैसे भी वो सेलिंग कर सकते हैं आप बता सकते हो। सो दिस वाज योर पेज नंबर 93, बहुत इजी था, जिसमें जस्ट हमने फ्लावर सेलर्स के बारे में देखा।
वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट टू पेजेस एंड दैट विल बी लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन अवर नेक्स्ट क्लास. क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.